पौधे लगाना पसंद है लेकिन समय की कमी है और समय की कमी के कारण उन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और चाहते हैं कि आपके गार्डन में ग्रीनरी जो है वो बनी रहे और आपकी मेहनत भी कम लगे या समय भी कम लगे। साथ में अगर आप बिगनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी है क्योंकि यहाँ मैं आज शेयर करने वाली हूँ 30 ऐसे पौधे जो कम देखभाल में आराम से ग्रो करते हैं। लाइट की रिक्वायरमेंट और पानी की रिक्वायरमेंट पौधे की क्या रहेगी वो साथ के साथ आपको बताती जाऊंगी। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके और मेरी ये थोड़ी सी मेहनत आपके ज्यादा काम आ सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं स्नेक प्लांट से। एवरग्रीन प्लांट और दिन रात ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है। इंडोर रखना चाहते हैं इंडोर रखें, काफ़ी अच्छे से लो मेंटेनेंस प्लांट है। एक बार लगाकर इसको बस आप छोड़ दें, जहां पर इसको अच्छी लाइट मिले वहां पर, धूप ना भी मिले कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ज़्यादा बिजी रहते हैं तो इसको सिंपली पानी में भी लगा सकते हैं। वीक में एक बार पानी चेंज कर दें और 6 महीने में एक बार कोई भी हल्का सा NPK या DAP इसमें छोड़ दें। नंबर 2 पर है दोस्तों टेबल कामनी, और टेबल कामनी भी लो मेंटेनेंस प्लांट में से एक है। कोई प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं, अपने आप बहुत अच्छी बॉल जैसी शेप लेता रहता है। 3-4 महीने में एक बार थोड़ी सी खाद इसको दे दें, जो भी आपके पास हो। अगर आप सिंपल टाइम की कमी है NPK यूज़ किया करें, NPK काफ़ी अच्छा काम करता है। 1 महीने में 1 चम्मच हर प्लांट में डालें, सारे अच्छे ग्रो करेंगे। तो टेबल कामनी नंबर 2 पर। टेबल कामनी के बाद है दोस्तों शेफलेरा, और शेफलेरा भी काफ़ी अच्छा ग्रो करता है। इसको डायरेक्ट सन नहीं चाहिए, आप इसको इंडोर भी रख सकते हैं, आउटडोर रखें लेकिन शेड में रखें, और ये भी काफ़ी अच्छा ग्रो करता है। इसको भी ज़्यादा खाद की या प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं है, अपने आप शेप लेता रहता है। अगर आपको शेप अपने हिसाब से बनानी है फिर आप इसको साल में एक बार ज़रूर प्रून करें, वो भी बारिशों के दौरान। इसके बाद है दोस्तों चाइनीज़ मनी प्लांट नंबर 4 पर, और ये भी काफ़ी अच्छा ग्रो करता है। इस प्लांट को ब्राइट लाइट के साथ साथ पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, इसको आप डेली 1 ग्लास पानी ज़रूर दें, काफ़ी अच्छा ग्रो करता है। नीचे इसके ट्रे ज़रूर रखें, जो भी एक्स्ट्रा वाटर होगा वो ट्रे में चला जाएगा और फिर प्लांट जो है वापस ऊपर लेता रहेगा। तो चाइनीज़ मनी प्लांट भी काफ़ी अच्छा प्लांट है, बिगनर के लिए बेस्ट प्लांट है, और इसको हल्की फुल्की धूप भी मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद है दोस्तों सिंगोनियम, और सिंगोनियम भी काफ़ी अच्छा ग्रो करता है। ये आप इंडोर रखें, आउटडोर रखें, कहीं भी रखें, थोड़ी सी लो लाइट कंडीशन में आप बाथरूम में रखें, किचन में रखें, हर जगह आराम से ग्रो करता है। तो सिंगोनियम भी आप आराम से लगा सकते हैं। इसके बाद है जीजी प्लांट, और जीजी प्लांट भी हार्डी प्लांट में से एक है। अगर ये प्लांट ऊपर से पूरा ख़त्म हो भी जाता है तो इसकी जड़ें जो है मिट्टी में पड़ी रहती हैं, जैसे ही पानी मिलता है ये नई शूट निकालना शुरू कर देता है। तो इस तरीके का प्लांट है ये, इसको आप 15 दिन में पानी दें, किसी विंडो के पास रखें, आराम से ग्रो करेगा। प्लास्टिक का पॉट है तो पानी चेक करके दें। इसके बाद है दोस्तों मदर ऑफ 1000, ये 3 वैरायटी में आता है। ये वाली देखें आप, काफ़ी खूबसूरत वैरायटी है जिसकी लीव्स भी थोड़ी लंबी लंबी होती हैं। तो मदर ऑफ 1000 की 3 वैरायटी के साथ, ये के पत्तों वाली वैरायटी है जिसके पत्ते थोड़े से ब्रॉड होते हैं, एक लॉन्ग लीफ होती हैं, वो वाली वैरायटी आती है। तो इसमें 3 लगभग वैरायटी आती है मदर ऑफ 1000 में। इनके जो बेबी हैं वो पत्तियों से ही निकलकर नीचे गिरते रहते हैं और नया प्लांट बनता रहता है। इसको पानी तभी दें जब आपको याद आ जाए, यानी 3-4 दिन में एक बार इसको पानी दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या मिट्टी पूरी सूख जाए तब इसको पानी दें। इसके बाद है दोस्तों पेपरोमिया, और इसको बेबी रबर प्लांट भी बुलाया जाता है, काफ़ी अच्छा प्लांट है। ये भी आप इंडोर रख सकते हैं, किसी विंडो के पास ज़रूर रखें, इसको ब्राइट लाइट देते रहें, और पानी आप इसको 4 से 5 दिन में दें, सुबह दें शाम को दें, कोई ज़्यादा इशू नहीं बनता है। लेकिन पानी तभी दें जब मिट्टी पूरी अच्छे से इसकी सूखी हुई आपको नज़र आए, अदरवाइज़ पानी अवॉइड करें, और ये आराम से चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, कटिंग से भी आराम से लग जाता है जब। तो इसके बाद आते हैं दोस्तों कैक्टस की वैरायटी, जो कि है नंबर 9 पर। कैक्टस की ये 2 वैरायटी हैं, ये बनी कैक्टस है, ऊपर से इसमें बनी जैसे ईयर जैसे निकलते रहते हैं, तो ये बनी कैक्टस है। इसकी 2 वैरायटी आती हैं, गोल्डन और एक सिल्वर वैरायटी, तो दोनों काफ़ी अच्छी लगती हैं। इसके अलावा ये वाला कैक्टस है, और कैक्टस की कोई भी वैरायटी हो उनको कम पानी चाहिए। देखिए आप मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है इन दोनों गमलों की, तो इस तरीके से मिट्टी पूरी सूख जाए फिर आप इसको पानी दें। अगर आप पानी में गड़बड़ करते हैं या प्लास्टिक का पॉट यूज़ करते हैं तो दिन आप डालने के महीने में एक बार पानी दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये है चाइनीज़ एवरग्रीन, और चाइनीज़
एवरग्रीन या एग्लोनिमा फैमिली से ही है, काफ़ी वैरायटी आती हैं, लेकिन ये वाली वैरायटी इसकी सबसे हार्ड वैरायटी में से एक है। बहुत अच्छा ग्रो करता है, ये देखिए इसमें फ्लावर भी आया हुआ है, और इस तरीके का जैसा पीस लिली का फ्लावर होता है कुछ ऐसा ही इसका फ्लावर होता है, और काफ़ी अच्छा ये भी ग्रो करता है, नई नई पत्तियाँ लगभग पूरा साल ही निकालता रहता है अगर इसको ब्राइट लाइट मिलती रहे। और ये देखिए आप साइड से इसके नए नए शूट्स निकलते हैं नीचे रूट से ही, तो इसको मल्टीप्लाई इस तरीके से आराम से किया जा सकता है डिवाइड करके। इसके बाद है दोस्तों ये सिल्वर पोथोस, इसको सैटन पोथोस भी बोला जाता है, ये भी लो लाइट प्लांट में से एक है। अगर आप इसको धूप ना दें लेकिन आउटडोर भी रखते हैं, कहीं ऐसी एरिया में रखें जहाँ धूप ना लगे, तो ये बहुत जल्दी बढ़ेगा। इसके बाद है दोस्तों ये स्नो बुश प्लांट, और स्नो बुश प्लांट भी काफ़ी लो मेंटेनेंस प्लांट है, काफ़ी अच्छा प्लांट है, और इसको ज़्यादा कुछ खाद की ज़रूरत नहीं होती है, शेड में रखें लेकिन आउटडोर रखें, काफ़ी अच्छा ग्रो करता है। पत्तियों में डिफरेंट डिफरेंट कलर आपको देखने को मिल जाएंगे, ये काफ़ी डेलिकेट सी इसकी पत्तियाँ होती हैं जो कि। इसके बाद है दोस्तों फाइकस, ये स्टार फाइकस है, इसके अलावा ग्रीन फाइकस हो या कोई और फाइकस की वैरायटी हो, सारी ही हार्डी वैरायटी में से एक होती हैं। इसकी बोनसाई वैरायटी भी आती है, वो भी काफ़ी हार्डी होती है, आप इसको कहीं भी रखें। ये जो है इसको ब्राइट लाइट चाहिए, अगर आप स्टार फाइकस रखते हैं या वेरीगेटेड वाला रखते हैं तो इसको आपको ब्राइट लाइट थोड़ी देनी पड़ेगी, अगर धूप भी मिलती है तो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं धूप। इसके बाद है दोस्तों गोल्डन पोथोस, पोथोस की काफ़ी वैरायटी आती है लेकिन गोल्डन पोथोस काफ़ी अच्छा प्लांट है, और बिगनर हैं तो ज़रूर ऐड करें, अगर है तो इस पर डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, कटिंग पानी में भी लगा सकते हैं, पानी में इसको आप हमेशा रख सकते हैं इसकी कटिंग लगा कर, तो ये काफ़ी अच्छा ग्रो करता है पानी में भी, इसको धूप में भी रख सकते हैं अगर बड़ा पॉट है, लेकिन इसको शेड देंगे तो पत्तियों में चमक बनी रहती है। या तो इसके बाद है दोस्तों ये मिल्की बुश, और मिल्की बुश भी काफ़ी अच्छा प्लांट है, इसकी दो वैरायटी आती हैं, एक ये ग्रीन वाली वैरायटी है इसके, और इसकी पत्तियों में एक डिफरेंट कलर होता है बैक साइड से, ये भी काफ़ी अच्छा ग्रो करता है, कटिंग से आराम से लग जाता है। इसके बाद है दोस्तों ये ब्यूटीफुल सा प्लांट डेविल बैकबोन, और डेविल बैकबोन भी काफ़ी अच्छा ग्रो करता है, बहुत आराम से चलता है, पानी कम दें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस प्लांट को, और इसको आप धूप में रखें तो भी आराम से चलता है, इसको शेड में रखें, इंडोर रखें। इसके बाद है दोस्तों ये कैलेंचोए फैमिली से, जिसको हम पत्थर चट बोलते हैं, वो वाला प्लांट, थिक पत्तियां होती हैं, बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं, ये भी आराम से ग्रो करता है, शेड में भी रख सकते हैं इसको आप, और इसको आप धूप में भी रख सकते हैं, जो भी आपकी कंडीशन आपको लगे आपके घर में वो इसको दे सकते हैं, लेकिन लो लाइट कंडीशन में ये नहीं चलता है, कहीं डार्क एरिया में ना रखें। इसके बाद है दोस्तों ये एस्पेरेगस फर्न बुलाया जाता है इसको वैसे तो, लेकिन ये फर्न की ऐसी वैरायटी है जिसमें नीचे बल्ब होते हैं, जैसे फॉक्सटेल फर्न होती है ठीक वैसी लगती है ये, लेकिन हार्डी वैरायटी है ये, इसको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, फुल सन में भी ग्रो करती है, और इसको आप शेड में भी चाहें तो भी आराम से ग्रो करती है, हैंगिंग बास्केट्स में भी इसको आप लगा सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों अल्टरनेंथ्रा, इसकी भी काफ़ी वैरायटी आती हैं, ये वाली वैरायटी आप देखिए इसमें दो कलर हैं, ग्रीन और एक ये बरगंडी सा शेड है, इसकी एक ग्रीन वैरायटी आती है कम्प्लीटली ग्रीन, और एक और डार्क कलर की आती है, वेरीगेटेड आती है, नियॉन आती है, तो जो भी हो हाइट इसकी छोटी रहती है, ज़्यादा बड़ी नहीं रहती है, छोटे से गमले में आराम से चलता है, हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, फुल सन भी ये आराम से हैंडल कर लेता है, और ये शेड में भी आराम से चलता है। इसके बाद है दोस्तों ये पिंक लेडी या सिलेशिया, इसको पिंक टर्टल वाइन भी बुलाते हैं, हैंगिंग बास्केट्स के लिए बेस्ट प्लांट है, और धूप में भी चलता है, और अगर आप इसको कहीं अपनी बालकनी में रखना चाहते हैं तो भी अच्छे से ग्रो करता है, और कटिंग इसकी आराम से लग जाती है, साल में कभी भी लगाएं जब भी आपको मिल जाए अगर आपके पास नहीं है तो, और काफ़ी अच्छा प्लांट है, सारी कंडीशन आराम से हैंडल कर लेता है, तो ये भी ऐड किया जा सकता है अगर आप बिगनर हैं और समय की कमी है। इसके बाद है दोस्तों जेड प्लांट, जो कि है नंबर 21 पर, और काफ़ी अच्छा ग्रो करता है, एक बार आपको इसकी जो पानी की कंडीशन है वो समझ में आ जाए फिर ये आपके घर से नहीं जाएगा, बढ़ता रहता है, दो घंटे तीन घंटे की धूप तो इस प्लांट को ज़रूर चाहिए अच्छी ग्रोथ के लिए, और मिट्टी सूख जाए पूरी अच्छे से जब तब इसको पानी दे दस। इसके बाद है दोस्तों ये फिलोडेंड्रोन सेलम, और ये भी काफ़ी अच्छा ग्रो करता है, और बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं, डिफरेंट लुक ऐड कर देता है गार्डन में, काफ़ी खूबसूरत लगता है,
ये देखिए आप, जब इसकी पत्तियाँ झुक जाएँ तब इसको पानी दे दें, या फिर जब आपको लगे कि मिट्टी सूख गई है तब इसको पानी दें। इसके बाद है दोस्तों ये पोनीटेल पाम, और पोनीटेल पाम भी लगभग हर कंडीशन में ग्रो कर जाता है, आप देखिए। और इसको आप शेड में भी रख सकते हैं, इसको आप धूप में भी रख सकते हैं, लेकिन जहाँ उगाना चाहें उस हिसाब से इसको पानी की जो ज़रूरत है वो देते रहें, यानी शेड में पानी कम लगेगा और अगर धूप में है तो पानी उस हिसाब से आपको देना पड़ेगा। तो ये भी बिगनर्स के लिए बेस्ट प्लांट है। इसके बाद है दोस्तों वॉन्ड्रिंग जू, जो कि है नंबर 24 पर, और ये ऐसा प्लांट है दोस्तों, इसकी कटिंग अगर आप कहीं गमले में छोड़ देते हैं तो भी ये आराम अपनी रूट्स जो हैं वो आराम से बना लेता है, काफ़ी खूबसूरत कलर ऐड कर भी देता है गार्डन में। और इसके बाद है दोस्तों नंबर 25 पर फिलोडेंड्रन रेड या रूबी, और ये भी काफ़ी अच्छा ग्रो करता है, पत्तियों का कलर आप देख सकते हैं। बिगनर्स के लिए बेस्ट है क्योंकि ये बहुत ही लो लाइट कंडीशन को और ज़्यादा पानी को भी कभी कभी टॉलरेट कर लेता है, अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो बहुत जल्दी ये प्लांट जो है वो मरता नहीं है, कि दो दिन आपने पानी ज़्यादा डाल दिया तो ख़राब हो जाता है। इसके बाद है यूफोर्बिया मिली, और ये इसके फ्लावर जो आप देख रहे हैं ये अब चले गए हैं लगभग इसके, और ये भी काफ़ी अच्छा प्लांट है। इसमें कांटे होते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे और पेट हैं तो उस हिसाब से इसको थोड़ा दूर रखें, फुल सन में रखें, आराम से ग्रो करता है। इसके बाद है दोस्तों ये खूबसूरत सा बोगनवेलिया, और बोगनवेलिया भी हार्डी प्लांट में से एक है। इसकी मिट्टी ड्राई हो तभी पानी दे, और मिट्टी थोड़ी हार्ड भी होगी तो इस प्लांट को प्रॉब्लम नहीं होती है, ये आराम से ग्रो करता है। फुल सन दें इसको, फिर इसको आप दो दिन में एक बार ज़रूर पानी दें, या बिल्कुल ही सूख जाए तब इसको पानी दें। इसके बाद है दोस्तों मॉस रोज़ या धूप खेड़ी या पार्सले, ये भी काफ़ी अच्छा प्लांट है बिगनर के लिए, कटिंग से भी आराम से लग जाता है और कलर भी इसमें बहुत सारे आते हैं, कोई भी कलर हो सारे ही खूबसूरत लगते हैं। गर्मियों का बेस्ट प्लांट है, आराम से फ्लावरिंग करता है बिना किसी झंझट के। कोई भी खाद आपके पास अवेलेबल हो इसको हर महीने थोड़ा सा दे दें, फिर फ्लावरिंग रुकती ही नहीं है। तो इसके बाद है दोस्तों देसी विंका, देसी विंका भी हार्डी प्लांट में से एक है और सारा साल फूल देने वाले पौधों में से एक है। इसको भी आप फुल सन दें और पानी इसको देते रहें जैसे आपको टाइम लगे, डेली पानी दे सकते हैं अगर आउटडोर कम्प्लीटली रखा हुआ है तो। तो फिर इसके बाद आता है दोस्तों लेंटाना, और लेंटाना भी काफ़ी खूबसूरत है जो कि है नंबर 30 पर, और इसके कलर भी काफ़ी आते हैं, जैसे कि ये रेड वाला कलर है, इसमें येलो पर्पल कलर भी आता है, कोई भी कलर हो सारे ही अच्छे से चलते हैं, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है ये और बहुत ही अच्छा भी लगता है, तो ये भी ऐड किया जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वीडियो जरूर आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कौन सा पौधा आपको पसंद आया और कौन सा आपके पास सालों से है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।